नोट मांगू ना चिल्लर मांगू, मैं तो सनम सीधा चेक मांगू। अबे ओए कंजूस, क्या तकलीफ है बे? ये 5 का सिक्का तूने दिया ना बे? हाँ तो क्या हुआ, असली तो है, हर जगह तो चलता है। पहले ना आवाज नीचे करके बात कर, वरना हाथ पैर तोड़ के बीच रास्ते में फेंक दूंगी तुझे। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ साफ साफ लिखा है 100 रुपए से कम नहीं लेती मैं। तो तूने मुझे 5 का सिक्का क्या सोच के दिया? तू भिखारी समझती है क्या मुझे? ओहो, अब भिखारी को भिखारी ना समझू तो क्या समझू? तुझे अम्बानी का औलाद समझू? अरे लीना भिखारी, धंधा कैसे चल रहा है? सही तो चल रहा है ना? और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, मैं हेल्प कर दूंगी। अच्छा तो एक बात बता, तू तो एमजी रोड में बैठती थी ना, तो अचानक जगह क्यों चेंज कर ली? अरे क्या बताऊँ अब मैं, वहाँ एक लड़के से प्यार हो गया था, साला बेवफा निकला, इसलिए मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया। और तू बता, तूने क्यों जगह चेंज किया? अरे अब तुझे क्या ही बताऊँ, सबको पता चल गया कि मुझे वहाँ का इलाका छोड़ना पड़ा और यहाँ पे आई। पर यहाँ पे तो सब कंजूस और मक्कीचूस लोग ही है। वही तो, अभी अभी एक कंजूस गई, 5 रुपए दे रही थी भीख में। चल अब छोड़, साथ में भीख मांगते हैं। हाँ चल चल। सुनना लेना, मैंने एक चीज सोचा है। क्या बोल? देख, तेरा भी धंधा सही से नहीं चल रहा और मेरा भी नहीं। हाँ वो तो है, तो चलना उसके पास। किसके पास? अरे हम सब के गुरु, महागुरु, वीआईपी भिखारी के पास। वीआईपी भिखारी? हाँ वीआईपी भिखारी, वो हम जैसे की तरह से रोड में बैठ के भीख नहीं मांगती है, वो डिजिटल भिखारी है, सीधा अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेती है। और हम तो उसके सामने मच्छर है, मच्छर। तो ऐसी बात है तो चल चल। Thank you.
अरे भगवान ओ भगवान, आपने तो मेरे पैसे डबल करके किस्मत ही खोल दी, और अब मैं और पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, आज मुझे कुछ जरूरी काम है, कल आना। ठीक है मैम, तो फिर मैं कल ही आती हूँ। आशीर्वाद दीजिए मैम। जाओ आप। जय हो माँ बाप की, जय हो, जय हो। मैम कुछ पैसे दीजिए ना। बाप रे इतने पैसे, क्या करते हैं मैम आप, इतने पैसे कहाँ से लाते हैं? अरे छोड़ो ये सब राज की बात है। मैम बोलिए ना। अरे छोड़ो ना। मैम बोलिए ना। अरे छोड़ो ना। अरे मैम बोलिए ना। मैम बोलिए ना। प्लीज मैम बोलिए ना। ठीक है तो सुनो, मैं पैसा डबल करने का स्कीम जानती हूँ। डबल कर दीजिए ना। ये लीजिए पैसे, मैं दो दिन बाद खुद आ जाऊंगी। ठीक है मैम, मैं जल्दी हूँ। ठीक है हो जाएगा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। मैम वो दोनों लड़की पैसा डबल के बारे में क्या बोल रहा था? हाँ हाँ वो मैं पैसा डबल करती हूँ ना, वो लोग पैसा ही दे रहे थे डबल करने के लिए। क्या क्या आप पैसे डबल करने का जादू जानते हैं? क्या मैं जादू लेना कैसे जानूंगी, मैं तो भिखारी हूँ। क्या क्या बोला आपने? अरे वो भिखारियों की मदद करती हूँ पैसा डबल करके। क्या सच में? हाँ तो क्या भरोसा नहीं हो रहा तो जाओ यहाँ से, और मुझे मत पूछो। ड्राइवर गाड़ी निकालो। अरे मैम रुकिए मैम, मुझे भी अपना पैसा डबल करना है मैम, पैसा डबल करना है मैम, मेरा भी पैसा डबल करना है। ठीक है उठो उठो आप। अब आई ना लाइन पे, बोलो कितने पैसे डबल करनी है? 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख का तो कोई स्कीम ही नहीं है मेरी कंपनी में, 10 लाख की तो मैं चाय पी के उड़ा देती हूँ। तो कितने की स्कीम है मैम? 1 करोड़ से स्टार्ट है। 1 करोड़? हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ देने के लिए। ठीक है तो ये लो मेरा एड्रेस, कल आ जाना पैसे लेके। पैसा पैसा पैसा। बैठो। अबे चोमू नीचे नहीं ऊपर बैठो। लो पानी पियो पियो पियो। हैरान क्यों हो रहे हो? ये पानी आया कहाँ से? यहाँ सब ऑटोमेटिक है। बड़ी बात है, ये लोग यही तो इन्वेस्ट करके इतने पैसे वाले हुए। कल ही तो आए थे बच्चन साहब मेरे पास। बच्चन साहब तो ये ले लीजिए, मेरे भी पैसे डबल कर दीजिए। ठीक है आना हफ्ते बाद, तुम्हारे भी पैसे डबल हो जाएंगे और बच्चन साहब के बगल में तुम्हारा भी फोटो होगा। माय बाप, माय बाप। बोलो माय बाप की जय। बोलो माय बाप की जय। अरे गाड़ी निकलो जल्दी। पार्टी तो खत्म हो गई, पर उसके पैसे का क्या करें, कैसे वापस करेंगे? अरे तू टेंशन मत ले, जो पैसे बचे ना उसका ट्रिपल कर लेंगे और उसका डबल उसको दे देंगे और बाकी 100% मेरे और बाकी तुम लोगों के। डन डन डन। पैसे लूट गए, अब उसे डबल कैसे देंगे हम? उसे छोड़, अब तो हम ही भिखारी बन गए, पर मेरे पास एक उपाय है। क्या?
आज तो पैसे ही पैसे होंगे मेरे। ये क्या, शायद मैं गलत जगह आ गई। ना ना ना, जगह तो यही है। सुनिए सुनिए दीदी, यहाँ पे तो ऑफिस था ना, पैसे डबल करने वाला कहाँ गया? ऑफिस? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। क्या आपके पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर है? उन लोग का तो कॉल कर लीजिए। मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है, मेरे पास फोटो है। मैडम आपके पैसा तक गया, ये कोई पैसा डबल नहीं करती है। ये तो रोड के भिखारी है और बहुत बड़ी स्कीमबाज भी है, आपको तो चूना ही लगा दिया। पागल।